ये रेडी है जी विंग मोड में। सबसे पहले हम इसको ऑफ करेंगे, 3 नंबर का बटन दबाने के बाद हम इसको ऑन करेंगे। टेस्ट आ गया, 3 नंबर का बटन फिर दबाएंगे, एसटी कॉल आ गया। अगर हम एंटर करते हैं तो कैलिब्रेशन मोड में चलेंगे, क्लियर करते हैं तो सेटअप मोड में चलेंगे, डिवीजन कितनी होनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट कितने होने चाहिए और बला 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 फिल्टर वगैरह कितने होने चाहिए। एंटर करके हम जो है वो कैलिब्रेशन मोड में चले जाएंगे। पी वन मतलब कितने स्टेप कैलिब्रेशन करनी है, 1 स्टेप करनी है हमने। डी फाइव मीन्स डिवीजन जो है वो अगर डेसिमल पॉइंट 3 है तो 5 ग्राम और डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जनाब अली आपका 5 किलो। एंटर कैपेसिटी, ये कैपेसिटी आ गई, जो भी कैपेसिटी रखनी है हमने न्यूमेरिक बटन से चेंज कर सकते हैं। 0 कैलिब्रेशन आ गया, 0 कैलिब्रेशन में जो है वो स्पैन को खाली छोड़ना है, काउंट्स वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको ऊपर वजन डालेंगे तो प्लस में जाएगा, मीन्स ये भी सेंसिंग भी चेक हो जाएगी कि कैलिब्रेशन लोड सेल के केबल सीधे लगे हैं या उल्टे लगे हैं। एंटर किया, स्पैन आ गया, इस पर हमने ट्रक चढ़ा दिया या वेट रख दिया, एक ही बात है। और उसके बाद हमने इसका वेट सेट कर दिया, मिसाल के तौर पे 5000 कर लेते हैं इसको हम फिलहाल, और एंटर का बटन दबा दिया, सी अप आ जाएगा। एंटर करेंगे और 3 स्टेप में जो है वो बाहर आ जाएगा। कैल एंड हो गया और साइड जो है वो रीसेट होकर वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।